नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की, जहां पर बहुचर्चित महादेव सत्ता ऐप के मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें, एफआईआर में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी जैसे आरोप लगाए गए हैं। और इस पर आपको बता दें, पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। ऐप कहीं और से संचालित होता है। आरोपी को विदेश से भारत में लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, ये कहा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। जिस तरह से आज 6 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया कि उनका नाम जो है वो जबरन फंसाया जा रहा है और ये राजनीतिक एफआईआर है, ये कहा है। आपको बता दी भूपेश बघेल ने, एफआईआर की कॉपी में मेरा नाम नहीं है, ये भी कहा, ये राजनीतिक एफआईआर है, जबरन मेरा नाम डाला जा रहा है। मोदी की गारंटी और साय के सुशासन में महादेव चल रहा है। तो भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल का नाम भी इसमें सामने है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिखर दिवांगन भी जुड़ चुके हैं। शिखर, यहां पर भूपेश बघेल की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या लगता है गिरफ्तारी हो सकती है चुनाव से पहले? और यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है, क्या तस्वीर है छत्तीसगढ़ की फिलहाल? देखिए, जिस तरह से आज जो मामला निकलकर सामने आया, ईडी ने जो प्रतिवेदन दिया, उस प्रतिवेदन पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर एफआईआर दर्ज किया। इसके साथ ही और भी कई नाम जो एफआईआर में दर्ज किए गए, और जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और ऐसे में जब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ी परेशानी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्यवाही लगातार देखने को मिली है, उसमें रवि उपल के साथ ही तमाम जो महादेव सत्ता ऐप से जुड़े लोग हैं उस पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। और जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान महादेव सत्ता ऐप को लेकर भी बहुत सारी कार्रवाइयां देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है, उसके बाद इस पूरी कार्यवाही को लेकर बीजेपी ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि जो कानून की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सारे काम किए जा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया और इस पूरे मामले पे अपना पक्ष रखते हुए भी नजर आए। वो साफ तौर पे इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो चुनाव नहीं लड़ पा रही है, राजनांदगांव में कोई बेहतर चेहरा नहीं है, यही वजह है कि राजनीतिक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। राजनीतिक प्रतिद्वेष के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जबरन उनका नाम डालने की बात कही गई, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर की कॉपी वो दिखा रहे थे, उस एफआईआर की कॉपी में जो संक्षिप्त विवरण था, वहां इस बात का जिक्र वो कर रहे थे कि संक्षिप्त विवरण में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि भूपेश बघेल को पैसे दिए गए हैं, लेकिन सामने एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े तमाम लोगों के नाम उस संक्षिप्त विवरण में है कि किस तरह से पूरी जो महादेव सट्टा ऐप है उसमें किस तरह से पैसे के लेन देन किए, इस बात का जिक्र संक्षिप्त विवरण में है, लेकिन उनके नाम का जिक्र कहीं नहीं है। इस बात का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि जो महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए लोग हैं वो बीजेपी को पैसे दे रहे हैं, इसीलिए उन महादेव सट्टा ऐप है वो बंद नहीं हो रहा है। हालांकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान बंद करवाने को तमाम कोशिशें जो है वो कांग्रेस सरकार कर रही थी, लेकिन महादेव सट्टा ऐप को बंद करने का जो अधिकार था वो केंद्र सरकार के पास था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही केंद्र सरकार ने नहीं की थी। इस बात का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आया। वो भले ही अब इन आरोपों को निराधार बताया जा रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ा सवाल अब ये भी है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या भूपेश बघेल जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे या फिर इस सीट से कांग्रेस दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी? शिखर, लगातार अपनी नजर आप बना के रखिए, अपडेट लगातार लेंगे। तो देखिए, पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम है कांग्रेस का, पार्टी का, और इस बार चुनावी मैदान में भी उतरे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले
यहां पर उनकी मुश्किलें यानी कि छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले में सफाई देने के लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इन आरोपों को निराधार बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार सुन लेते हैं। सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर UW में FIR दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। FIR की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च की FIR की कॉपी है, इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, FIR तो रायपुर में दर्ज हुआ, तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे। तो देखिए भूपेश वकील को आप सुन रहे थे, किस तरह से FIR की कॉपी दिखाते हुए नजर आए और कहा है कि इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है, बल्कि बीजेपी जबरन उनके नाम को फंसाने की कोशिश कर रही है।